أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم واكمني اور لنبلونكم कुम जो आखिर पे आया है ये तो मुखातब की अलामत है तुम सब। उससे पहले जो कलमे है वाओ और नून, वाओ नून तो जमा की अलामत होता है लेकिन अगर साथ कोई ज़मीर लग जाए तो एक नून जो होता है वो हज़्फ हो जाता है, इसलिए वाओ के बाद दूसरा नून नहीं है। ये जो नून लगा हुआ है इसे नून सकीला कहते हैं, ये किसी भी कलमे में दाखिल हो जाता है और वहाँ भी यकीनन के मानी देता है। एक यकीनन के मानी शुरू में लगे हुए हैं, एक इस नून सकीला ने जिसके ऊपर शद है उसने मानी दे दिए। और नबलु बाकी कलमा रह गया, असल में था बला यबलु, नासारा यंसुरु आजमाइश में डालना। बला उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, करबो बला आजमाइश। बला यबलु तबलु नबलू हम आजमाइश में डालते हैं या डालेंगे। लाम आ गए यकीनन, नून भी यकीन के यकीनन यकीनन डालते हैं या डालेंगे। वला नबलू वन्नकुम यकीनन यकीनन हम आजमाइश में डालेंगे बिशय इन बे के साथ शय इन किसी चीज़ के साथ मिन अल खौफी मिन से अल खौफ अल खौफ हकीकी खौफ में से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं बिशे इन शह थोड़ी सी चीज़ को कहते हैं अल खौफ सारे खौफ में से थोड़ा सा वल जू भूख नहीं बस थोड़ी सी भूख व नक्स मिनल अमवाल वो का मतलब और नुक्स तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं नक्सिम नक्स कमी मिन से अमवाल मालों में कमी वल अनफुस सिर्फ मालों में नहीं वल अनफुस नफ्स की जमा है जान जिसके मानी होते हैं तो जानों की कमी व समारात और फलों की कमी गोया किसी वक्त ऐसा हो सकता है कि खौफ जू भूख व नक्स मिनल अमवाल मालों की कमी जानों की कमी और ज़रात के अंदर कमी आ जाना समारात फलों की कमी मुराद है। वह बशर साबरीन वाओ का मतलब और बशर फेल अमर है बशर यानी खुशखबरी सुना दे बशीर हम नाम रखते हैं कि खुशखबरी सुनाने वाला यहाँ पे आ गया बशर आप खुशखबरी सुना दें किसे अस्साबरीन साबरीन को सब्र करने वालों को वो सब्र करने वाले जो नमाज के साथ और सब्र के साथ अल्लाह से मदद तलब करते हैं ऐसे साबरों को ये खुशखबरी सुना दें कि ये जो आजमाइश है जिसमें पूरा उतरता ये ज़्यादा नहीं होती बिशय इन थोड़ी सी होती है इंसान की इस्तेताअत के मुताबिक होती है इस्तेताअत से ज़्यादा अल्लाह आजमाते ही नहीं है लेकिन आजमाइश होती है और यकीनन यकीनन होती है जिस दर्जे का बंदा हो उतनी ही उसकी आजमाइश होती है। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और ये हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर अलिफ लाम।